स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी ODF प्लस ट्रेनिंग कोर्स की लॉन्चिंग सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं रतन लाल कटारिया, राज्य मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की उपस्थिति में वेबिनार के माध्यम से किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित कुछ अधिकारियों सहित सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए लॉन्चिंग में प्रतिभाग किया गया। जनपद में भी मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह एवं जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर एवं उनके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सभी जिला समन्वयक एवं आंशिक स्वच्छ ग्रही तथा खंड प्रेरक भी शामिल हुए। लखनऊ राज्य मुख्यालय से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक किंजल सिंह ने भी राज्य में स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी ODF प्लस ट्रेनिंग कोर्स की लॉन्चिंग के संबंध में पूरी तैयारियों की जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, कोर्स देना है तो कम से कम एक हम लोगों के पास तरह का नंबर होगा तो हेल्पफुल होगा। बट एज फॉर नाउ सर, कोविड टाइम्स में सर स्टेट्स में क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन मोबाइल पे करना था, इसलिए नंबर हम लोग ने काफी संख्या में सबके इकट्ठे कर लिए। बट भविष्य में लोग नंबर बदलते रहते हैं, मेरी ट्रेन गाँव में लोग अक्सर नंबर बदलते हैं, तो आधार गुड स्टेट। थैंक यू सर। भारत मिशन एकेडमी आज ही भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली ODF, अभी भारत जैसे हमें पता है कि उत्तर प्रदेश हमारा ODF हो चुका है, ODF के आगे की स्थिति जो है ODF प्लस, ये उससे संबंधित है। इसमें 60 मिनट का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जिसको कोई भी स्वच्छाग्रही या कोई भी आम व्यक्ति, प्रधान सचिव, इसको देख करके ट्रेनिंग ले सकता है। इसके लिए आपको जो एंड्रॉयड मोबाइल है उस पर आप ट्रेनिंग ले ही सकते हैं, इवन जो सामान्य मोबाइल है उस पर भी इसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है। ये पूरी तरह से वॉइस मोड में प्लस पिक्चर मोड दोनों में है। ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव ट्रेनिंग के लिए एक मॉड्यूल है SBI Academy, जिससे कि ODF के आगे ODF के अस्थायित्व को कैसे मेंटेन किया जाए और ODF प्लस जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें कि जो कूड़े ठोस कूड़ा है उसका अपशिष्ट प्रबंधन कैसे होगा, द्रव कूड़ा जो है उसका प्रबंधन कैसे होगा, इसके बारे में बताया गया है।